वहीं रामचरितमानस के एक दोहे पर सवाल उठाए जाने पर देश के सनातनियों में बेहद आक्रोश है। बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने टाइम्स ऑफ भारत से बातचीत करते हुए सनातन पर प्रहार, हिंदू राष्ट्र और खुद की जान को खतरा बताया है। हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस हमारे देश की धरोहर है और उसे राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि रामचरितमानस के खिलाफ बयान इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है। योग गुरु बाबा स्वामी रामदेव ने भी यही कहा था कि ये अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। महाराज जी, ये बताइए, ये जो पूरा विवाद चल रहा है रामचरितमानस को लेकर और अब और जोर पकड़ता जा रहा है और अखिलेश यादव के पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने जिस तरह की बातें कही हैं, ये विवाद आप चूंकि रामकथा भी करते हैं, लोगों को समझाते हैं, जो वो कह रहे हैं कि शूद्रों का या पिछड़ी जातियों का अपमान हुआ है रामचरितमानस में, उसमें कितनी सच्चाई है और ये विवाद क्यों हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है क्या? रामचरितमानस हमारे भारत की एक धरोहर है, इसलिए हमने हमेशा रामकथा के माध्यम से निवेदन किया कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए। अब कोई अगर विरोध कर रहा तो हमें यह नहीं समझ में आ रहा, रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है भारत के संविधान का प्रथम पृष्ठ जो स्वर्ण पत्र से लिपित है, जिसमें भगवान श्री सीताराम पुष्पक विमान पर आरूढ़ हैं, उनकी जीवन गाथा का ग्रंथ श्री रामचरितमानस। उन पर उंगली उठाना हमें तो बहुत खेद का और हमारा हृदय बड़ा विचलित इस भाव को सुनकर के। इसके पीछे बहुत बड़ी मिशनरियां हैं, बहुत बड़े लोग हैं, इंटरनेशनल लेवल पर साजिश है, हिंदू हिंदू को आपस में लड़ा करके फूट डालो नीत करने की तैयारी हो रही। और आपको लगता है समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो इस हिंदू को हिंदू से लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं? वैसे सब तो नहीं है, उनका जो व्यक्ति विशेष है वो कह सकते हैं, सब ऐसा नहीं करते हैं। बाकी लोगों को हमने सुना नहीं, बाकी लोगों का ऐसा भाव भी नहीं है, क्योंकि सब श्री राम के उपासक हैं। संविधान के प्रथम पृष्ठ में जो राम जी हैं उनके सब उपासक हैं। भगवान राम हमारे भारत के रंग रंग में बसे हुए हैं, हमारे भारत की आत्मा है। तो ये किसी एक व्यक्ति विशेष की विचारधारा है, व्यक्ति विशेष की खुद की सोच है, और उसकी भी नहीं होगी अगर इस पर बहुत बारीक से जांच किया जाए तो उसमें बहुत टीम पीछे निकलेगी जो सनातनीय हिंदुओं को आपस में जातिवाद के नाम पर फूट डालकर राज करना चाहे। अच्छा महाराज जी, मैं इसकी पॉलिटिक्स और ये जो हो रहा है इस पर चर्चा करूं, उससे पहले आपसे समझना चाहता हूं, आप इतनी रामकथा सुनाते हैं, रामकथा में या रामचरितमानस में जो शूद्र शब्द का इस्तेमाल हुआ है, क्या वो जाति को इंगित करता है, जाति के लिए हुआ है या किस चीज के लिए हुआ? और जिस चौपाई को लेकर बड़ा विवाद है कि प्रभु भल किन मोही सिख दिन्ही, मर्जादा पुनि तुम्हरी किनी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका मतलब भी हमारे दर्शकों के लिए समझाइए। सकल ताड़ना, पहली बात तो हम इस मीडिया के माध्यम से, नव भारत के माध्यम से प्रार्थना करें, श्री रामचरितमानस सामाजिक समरसता का एक पावन ग्रंथ है, इसमें जातिवाद को कहीं महत्वता नहीं है, कहीं स्थान नहीं है। देखिए, ये मात्र एक छोटा सा अंश था जिसमें उस मुद्दे पर बात हुई जो इस वक्त देश में चर्चा में बना हुआ है, लेकिन पूरा इंटरव्यू, पूरी बातचीत सुशांत सिन्हा की बागेश्वर पीठाधीश्वर से आपको दिखाएंगे 9 बजे। टाइम्स नाउ भारत से बात करते हुए बागेश्वर सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं को बार बार टारगेट किया जाता है ऐसा कह रहे हैं, सभी हिंदुओं को साथ आने की अपील वो कर रहे हैं, हिंदुओं को एकजुट होने के लिए जागना होगा ये भी वो कह रहे हैं, और साथ ही ये भी कहा कि जातिवाद को छोड़ अब एकजुट होने की जरूरत है। ने कहा कि हिंदू को एक होने की जरूरत है, हिंदू कैसे एक होगा, और ये जब चीजें होती हैं, भाई हम तो सरतंत्र से जुदा की बात करते नहीं, हम कोई हिंसा की बात करते नहीं, लेकिन अपना पक्ष कैसे रखा जाए शांतिपूर्ण तरीके से ही, कि सामने वाले को समझ में आए कि हिंदू भी आहत होता है, उसका भी दिल दुखता है।
पहली बात तो हमने समूचे भारत के लोगों को हाथ को कहा है और आज भी कह रहे हैं, हम इतने दिनों से चिल्ला रहे हैं कि हम सब हिंदू एक हों। हिंदू का मतलब है हिंसा को किंचित मात्र स्थान नहीं, हिंदू का अर्थ ही यही है। और दूसरी बात, हम लोग इतने सॉफ्ट हैं कि हमको ही सनातनियों को हिंदुओं को ही बार बार टारगेट किया जाता है, यह बात प्रत्येक अब हिंदू को जानना पड़ेगा। हम दिन ना रात जो मेहनत कर रहे हैं, भारत का एक एक सच्चा हिंदू सिपाही सनातनी मेहनत कर रहा है, घर बैठे मेहनत कर रहे हैं। अब प्रार्थना है कि अब सबको जागना पड़ेगा एकजुट होने के लिए, जातिवाद का रूप बाहर फेंक करके हम सब हिंदुओं को एकजुटता दिखानी ही पड़ेगी। बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का एक और बयान है कि मानस पर सवाल उठाने वालों पर लानत है। देखिए, तुकबंदी भी करते हैं, कटाक्ष भी करते हैं, दंज भी कसते हैं और खुली चुनौती भी देते हैं। उन्होंने कहा जो लोग मानस पर सवाल उठा रहे हैं उन पर लानत है, देश की जनता को इन्हें जवाब देना चाहिए। ये जो कह रहे हैं हमें तो उनके ऊपर लानत आ रही है और अब देश की जनता को इनको जवाब देना चाहिए। कैसे जवाब देना चाहिए? ये देश की जनता को, अब वो तो निर्णय, हम तो कोर्ट है नहीं श्रीमान जी, हम तो निर्णय नहीं करेंगे, पर जनता निर्णय करेगी कि हाथ मिलाकर जवाब देना या .. अच्छा, अभी अखिलेश यादव जी ने भी पूछ लिया योगी आदित्यनाथ जी से कि आप बताइए कि मैं शूद्र हूं या नहीं हूं। राजनीति पर हमारा कोई क्वेश्चन नहीं, राजनीतिज्ञ पर हमारा कोई जवाब नहीं, कोई टिप्पणी नहीं, हम उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।